अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है। आज का व्लॉग जुम्मे के बारे में होगा कि जुम्मे का दिन किस तरह से मेरा गुजरता है। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। अभी सैरी करने वाले हैं हम लोग और फिर नमाज के लिए निकल रहे हैं, फजर की नमाज के लिए। और आज फजर की नमाज मैं अपने किले वाली मस्जिद में पढ़ूँगा, तो यार स्टे ट्यून। अल्हम्दुलिल्लाह सैरी कर ली है और अभी फजर की नमाज का टाइम हो रहा है, तो यार चलते हैं और आज जुम्मे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फजर की नमाज से। आज की फजर वाली नमाज मैंने इस वाली मस्जिद में अदा की है। ये वाली मस्जिद मेरे घर से सबसे ज़्यादा करीब पड़ती है। इस मस्जिद का नाम है नूर मस्जिद। और अंदर मैं बयान सुन रहा था, काफ़ी मज़े का बयान सुना यार, मज़ा ही आ गया माशाल्लाह। इस्लामी बहनों के लिए इस्लामी तस्बीह का इस्लामी तस्बीह नमाज का इस्तेमाल किया गया है। इस्लामी तस्बीह की नमाज ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी। तमाम इस्लामी बहनें इस्लामी तस्बीह की नमाज में शिरकत फरमा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी नूर मस्जिद में ऐलान हुआ है कि जुम्मे के दिन औरतों के लिए सलात तस्बीह का नूर मस्जिद में इंतज़ाम किया गया है। आज मैं फजर की नमाज के लिए लेट हो रहा था, मैं जल्दी से बाइक निकाली, बाइक पे पहुँचो मस्जिद। अब यहाँ से लेते हैं अपनी बाइक और चलते हैं घर। आज सैरी को बाइक मेरे पास है यार, थोड़ा बाइक पे घूमूंगा फिर घर चले जाऊँगा। अभी मैं आ गया हूँ घर वापस। सही सैरी का आज मज़ा ले के हूँ बाइक पे। अब मैं सो दूँगा ताकि मैं जुम्मे के लिए जल्दी उठ जाऊँ, फिर आप मिलते हैं बाद। अभी हम उठ गए हैं जुम्मे के लिए और बहुत मुश्किलों से थे, सुस्ती हुई भी थी। अब जुम्मे की तैयारी करूँगा, नहाऊँगा, नाखून वगैरह काटूँगा, फिर यार जुम्मे के लिए निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, मतलब जुम्मे के लिए निकल रहा हूँ बाइक पर जाने। और यार गर्मी बाहर काफ़ी ज़्यादा है, बाइक निकालते हैं। ओए बहुत गर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह यार जुमा अदा करके घर आ गए। आज मस्जिद में बिल्कुल जगह नहीं थी खड़ी होने, फुल थी मस्जिद और इतनी को गर्मी थी ना, पसीना आ गया था। ये हमारे घर के गमले यार सूख गए दोनों। ये देखें, ये है ना, ये इसको थोड़ा सा ऐसे करना, ये टूट जाते हैं, इनकी मैं केयर ही नहीं कर पाया। इसका भी यही है बिल्कुल। अब इन गमलों की जगह नए गमले लगाने हैं, नए गमले नहीं, गमले यही रहेंगे, अंदर पौधे चेंज करवा दूंगा इंशाल्लाह। चलते हैं यार, गर्मी बहुत है। हमारे घर के बिल्कुल ऊपर चांद आया है। अभी असर की नमाज अदा की है और अफ्तारी होने में 15 मिनट बाकी है। और आज की गुड न्यूज ये है कि दावत की है हमारी मामूल, जिनके साथ हम मरी नहीं थे, कि उन्होंने दावत की है, तो यार बड़ा मज़ा आने वाला है, सारे वहाँ पे इकट्ठे होंगे। मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, ये पानी थोड़ा सा रोक लूँ बस। ये हम पहुँच गए मामू के घर, अब देखते हैं क्या बंदोबस्त है यार अंदर। मामों के घर खजूर और चाट खाने के बाद हम मस्जिद चले गए थे, अब बाकी बिरयानी वगैरह खाने वाले हैं। मामों के घर से दावत से आ गई, दावत का काफ़ी मज़ा आया, खाना काफ़ी मज़े का था। अभी मुझे मेरा कज़न लेने आ रहा है, वो कह रहा है आदिल तुझे आज कुछ पिलाना है,
शरबत वगैरह सुन के पिलाने, तो उसका मैं वेट का और देखते हैं यार क्या पिलाते हैं। यार शरबत पी रहे, शरबत काफी मजे का था वाकई में। अब चलते हैं घर वापस। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह यार शरबत पी के घर वापस आ गए। शरबत के हर वाकई में काफी मजे का था। और ये आज का मेरा जुम्मे का दिन था, इस तरह से गुजरा आज का मेरा जुम्मे का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार आज की वीडियो से उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। और यार आज का शेर है, अगले साल शायद हम ना रहें पर रहेगा ये रमज़ान, अगले साल शायद हम ना रहें पर रहेगा ये रमज़ान, दर हकीकत रमज़ान नहीं इंसान ये मेहमान। अल्लाह हाफिज़।